Hello everybody, I hope you all are doing great. You are watching Law Classes by Shivani. So everyone, I have started this UP APO special series. सबसे पहले हम यहाँ पे previous years papers को solve करेंगे. आज हम इस वीडियो में 2002 का paper solve करेंगे. उसके बाद जब सारे papers solve हो जाएंगे, thereafter we'll pick up the law subjects, उसे discuss करेंगे. कम्युनिटी टैब में मैं रोज़ ही क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ. जीएस से रिलेटेड हो गया आपका, कंप्लीट रहता है, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव मिलता ही रहता है हर दिन. तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए. आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं यूपी एपीओ का प्रीलिम्स का पेपर 2002. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पुलिस कॉन्स्टेबल कंपेल्स अ पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन ऑन फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट एंड अलाउइंग हिम टू गो आफ्टर रिसीविंग द मनी फ्रॉम हिम. ही इज लाइबल फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है इस एक्ट में, जो आपका पुलिस एक्ट 1861 है, दे कैन बी अपॉइंटेड बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑन द एप्लीकेशन बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका स्पेशल पुलिस वाला, ये आपका जो है कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है. सो बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे क्योंकि कुछ आपके रिपीट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 इज सब्जेक्ट टू. द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखिए ये वाला जो सवाल है ये आपके आगे वाले पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि सिर्फ 2002 में नहीं पूछा गया है बल्कि इसके बाद भी जो क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा. सो सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका पूछा गया है यूपी पुलिस रेगुलेशन से. अंडर यूपी पुलिस रेगुलेशन अ विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू. द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. पुलिस रेगुलेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा है आपको करनी तो पड़ेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको बहुत ही ज़रूरी है देखना. तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Regulation of public assemblies and the procession and licensing of the same is provided in Police Act 1861 under. So the answer is Section 30. देखिए Section 7 हो गया, Section 30 हो गया, Section 25 हो गया, ठीक है, Section आपका 15 हो गया. तो ये सारे जो सेक्शंस है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुलिस एक्ट के, तो उन्हें साथ साथ मार्क भी करते रहना अपने बेयर एक्ट में कि अब तक जो सवाल पूछे गए हैं कौन कौन से सेक्शन से पूछे गए हैं और कौन से जो सेक्शंस हैं वो रह गए, मीन्स कोई भी सवाल फ्रेम हुआ नहीं है उनसे, तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ऑल राइट, ये तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके, अदरवाइज भी आप एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे ही एंड मैं भी आपको कराऊंगी, बट ये मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ किस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, कौन से एरिया के क्वेश्चन है जहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं किया है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दो सेक्शंस आल्सो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पुलिस एक्ट हैज़ नॉट बीन रिपील्ड. तो आपका सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 41 हो गया, 11 हो गया, दे हैव बीन रिपील्ड बट सेक्शन 45 आपका रिपील्ड नहीं हुआ है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो कौन सा रिपील आपका नहीं हुआ है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. इन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा रिपील हो चुका है, ठीक है, कौन सा रिपील नहीं हुआ है. सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 44. यहाँ से आप समझेंगे कि सेक्शन 6, 41 और 11 जो है दे आर स्टिल देयर, दे हैव नॉट बीन रिपील्ड बाय 1861 एक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2001. तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है इस एक्ट में कभी कोई अमेंडमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है. सो 2001 में अमेंडमेंट हुआ है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछा है यहाँ पे इन्होंने. सो इट इज़ 10th of August 2001. याद रखेंगे सिंपल है 10 अगस्त. कोई भी कन्फ्यूजन मत यहाँ पे क्रिएट करना माइंड में कि 15 है कि 20 है या फिर कोई और डेट, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे 10 अगस्त 2001. नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल इन्होंने ये पूछा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है. सो द आंसर इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM. सो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन और आगे भी आपके जो पेपर्स जो कंडक्ट हुए थे उनमें भी पूछा गया है. सो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पैराग्राफ ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशंस डील्स विद द एब्सकॉन्डिंग ऑफेंसेस. सो द आंसर इज 215-222. अभी तक हमने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था रेगुलेशंस के ऊपर, दूसरा आपका ये देखने को मिलता है. तो फिलहाल ये लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछते नहीं है बट
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मे बी शायद इस साल आपके क्वेश्चंस रेगुलेशन से ज़्यादा आ जाएँ, तो आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। बट एक जो हम आइडिया लगाते हैं प्रीवियस ईयर्स देख के, तो जो पीछे की जो रेगुलेशंस है, मतलब कि जो एक्सट्रीम रेगुलेशंस है ना, वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इस तरीके से आप करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको जो है वो भी याद हो जाएंगी, कोई ऐसा कोई इशू होता नहीं है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही आपको करना है। आपको जो है बहुत अच्छे से सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, MCQs भी करने हैं। और अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको रेगुलेशंस के ऊपर से प्रीवियस ईयर्स वाले नहीं, अदरवाइज ऑल्सो रेगुलेशंस पे MCQs करवा सकती हूँ। उसके लिए आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर कौन से सेक्शन में है। देखिए सेक्शन 23 इट डील्स विद द ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं? पब्लिक पीस को मेंटेन करना, पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करना, जो भी उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर्स इशू करेगी उसको ओबे करना, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर। सो डायरेक्टली सेक्शन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन में जो है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जनरल डायरी कौन से सेक्शन में है। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी क्विक विद इट कि सेक्शन 44 है जो आपका जनरल डायरी से डील करता है, ये सेक्शन इससे डील करता है। तो एक एक सेक्शन में बेसिकली व्हाट इज़ द होल स्कीम ऑफ द एक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरी स्कीम पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगला सवाल पूछा है कि कौन सा प्रोविजन है जो जनरल डायरी से आपका डील करता है, तो वो है आपका सेक्शन 44। यहीं पे याद कर लो, इस वीडियो के बाद आपको जो जो सेक्शंस हमने अब तक पढ़े हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो जनरल डायरी मतलब यही है कि एक पुलिस ऑफिसर को जो है, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, उसको एक डायरी जो है अपने साथ रखनी पड़ती है हमेशा। सो इट इज़ मैंडेटरी कि पुलिस ऑफिसर अपने पास ये डायरी लिखेंगे। अब एक डायरी मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड की तरह, यहाँ पे कंप्लेनेंट का नाम होगा, ठीक है, जिसको अरेस्ट करा है उसका नाम लिखा जाएगा, कौन सा ऑफेंसेस ही इज़ बीइंग चार्ज्ड विद उसका नाम लिखा जाएगा, वेपन या प्रॉपर्टी कुछ भी रिकवर हुआ है उसके पोजेशन से, ऑल ऑफ दिस थिंग हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन दैट डायरी, नेम ऑफ द विटनेस शैल ऑल्सो बी देयर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हु इज़ द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, कभी भी उस डायरी को जो है इंस्पेक्ट करने के लिए ही मे कॉल दैट डायरी, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेक्शन 44। आई होप यहाँ पे 44 भी क्लियर हो गया आपका, और सेक्शन 23 हमने क्या पढ़ा, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा गया था आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन इस एक्ट का, पुलिस एक्ट का, जो डील करता है आपका एडिशनल पुलिस फोर्स से। मतलब कि कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन जैसे कि आपका एक एरिया है जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, डेंजरस एरिया डिक्लेयर किया गया है, तो वहाँ पे इन सब कंडीशंस के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू करके ऑफिशियल गजट में वहाँ पे जो है एम्प्लॉय कर सकती एडिशनल पुलिस फोर्स। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आना उस एरिया को, ठीक है। सो दिस कैन बी डन। सो द सेक्शन इज सेक्शन 15, इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक ऑन द रोड्स ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल्स इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 4। देखिए अब क्लॉजेस से भी पूछा गया है कौन से क्लॉज में है, ठीक है। अब ये 2003 का पेपर है, तो 2003 में जब इस तरीके का सवाल आ सकता है तो ये आपका आज के टाइम पे भी आ सकता है, कौन से क्लॉज में ये फॉलोइंग थिंग इज़ देयर। सो यू शुड बी प्रिपेयर योर सेल्फ विथ दैट टू ऑल्सो। तो सेक्शन 30 क्लॉज 4, तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इनके साथ और भी अथॉरिटीज़ हैं, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, इन सब की यहाँ पे अथॉरिटीज़ होती हैं टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द असेंबलीज, ठीक है। पब्लिक रोड्स है, ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, तो उसी तरीके से म्यूज़िक को भी यहाँ पे स्ट्रीट्स पे रेगुलेट किया जाता है ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, सेक्शन 30 क्लॉज 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा सेक्शन है जो इस चीज़ से डील करता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू मेक द रूल्स एंड द रेगुलेशन रिगार्डिंग द सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्स। सो द आंसर इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 इससे डील करता है। सेक्शन 2 में आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, जो भी सर्विस कंडीशन है किसी भी रैंक का जो ऑफिसर है, तो रूल मेकिंग पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पूरी
पुलिस फोर्स होती है यहाँ पे, द एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, उसको आप एक ही पुलिस फोर्स की तरह कंसिडर करेंगे एंड शैल बी फॉर्मली एनरोल्ड। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो तो दैट इज़ बीन अंडर सेक्शन 2 प्रोवाइडेड। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है, कि अगर मैं फटाफट सिर्फ ऐसे डिस्कस कर देती, इनिशियली आई वाज जस्ट लाइक लेटिंग यू नो द करेक्ट आंसर, देयर आफ्टर आई थॉट कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए ताकि आपको यहाँ कुछ सीखने को भी मिले, सिर्फ आप ऐसे याद करके ना जाएं। तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स हमने पढ़ा, सेक्शन 30 हमने पढ़ा, यहाँ पे 15 पढ़ा, 23 पढ़ा, ठीक है, रेगुलेशंस भी हमने यहाँ पे देखी। साथ साथ हमने इस पेपर में ये भी देखा कि कौन सा जो अमेंडमेंट है 2001 वाला, उसके एनफोर्समेंट डेट हमने देखी। अब देखिए पुलिस जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें, द पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001, डेट ऑफ एनफोर्समेंट देख लिया। साथ साथ मैंने आपको शायद वहाँ पे ये नहीं बताया था कि उस अमेंडमेंट से आपके कौन से जो सेक्शंस हैं, ठीक है, वो इंसर्ट हुए हैं। बेसिकली अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 2 में और सेक्शन 8 में, 2A एंड 8A हैज़ बीन इंसर्टेड ओवर देयर, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट, द चार्ज ऑफ अनक्लेम प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन बाय एवरी पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ऑप्शन हैं आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एवरी पुलिस ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर होगा जिसको भी अनक्लेम प्रॉपर्टी, मीन्स कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, नोबडी हैज़ क्लेम ओवर इट, सो दैट हैज़ टू बी टेकन इन चार्ज बाय एनी पुलिस ऑफिसर हु इज़ देयर प्रेजेंट एट द स्पॉट, ठीक है। एवरी पुलिस ऑफिसर जिसको भी वो प्रॉपर्टी मिलेगी, सो ही हैज़ टू टेक द चार्ज ऑफ दैट अनक्लेम प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो एवरी वन, हमने यूपी एपीयू का ये जो पेपर है पूरा सॉल्व कर लिया है 2003 का। सो आई गेस आपको जो है, सो एवरी वन, इसी तरीके से ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे आपको जो है 2002-2003, ठीक है, और जो लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ है एपीयू का, तब तक जितने भी पेपर्स हैं ऑलराइट हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे। बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लस ये एपीओ की स्पेशल सीरीज़ है, यहाँ पे मैं आपको जब सारे एमसीक्यूज तक करा दूँगी एक बार फिर से मैं आपको पूरा एक्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी, एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।